हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर आगे करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे हम कौन सी, 1.3 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है और क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शंस है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, ठीक है। देखो, मैंने दो फंक्शन ले लिए, लेट एफ ए से लेकर बी तक एंड जी बी से लेकर सी तक, ठीक है। दो फंक्शन ले लिए, एक क्या ले लिया एफ ए टू बी एंड जी ले लिया बी टू सी, बी टू फंक्शंस। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। तो जो इन दोनों फंक्शंस की जो कंपोजिशन होगी एफ और जी की, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, जी ओ एफ से। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई में नहीं बोल सकते, ठीक है। ये ओ है, मतलब कंपोजिशन का साइन है ये, ठीक है। जी ओ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ ए से लेके सी तक गिवन बाय जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। यानी कि जी के ऊपर मैं जी की एफ ऑफ एक्स के साथ कंपोजिशन ले दूँ तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, जी ओ एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, जहाँ पे जो सारे के सारे जो एक्स हैं किस सेट में से आएंगे, ए में से आएंगे, ठीक है। जैसे अगर डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊँ तो मैंने ये क्या ले लिया, ए सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स है। ये क्या ले लिया, बी ले लिया, इसके अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, क्यों, एक्स की इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स आएगी, ठीक है। फिर बी से किस पे जाएगा, जी होएगा, और इसकी इसके साथ कंपोजिशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको मैंने नया नाम क्या रख दिया, सी, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा का पूरा जो कंपोजिशन है इसको हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, जी ओ एफ हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, दो फंक्शंस की कंपोजिशन होती है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, एक एग्जांपल करवाऊंगी कंपोजिशन का, उसको आपको अच्छे उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपको एग्जांपल करवा रही हूँ मैं, ठीक है। कंपोजिशन में क्या होता है, दो एलिमेंट की हम क्या लेते हैं, कम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो जी के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमारे पास, यानी कि मैं जी ऑफ एफ निकालना है मुझे, तो क्या करूँगी, जी ऑफ एफ ऑफ टू पे निकालूंगी पहले, क्यों, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या दे रखी है, थ्री दे रखी है, ठीक है। तो जी ओ एफ ऑफ टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ओ एफ ऑफ टू लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं अंदर लेगी, ठीक है। अब हमारे पास देखो, एफ ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, थ्री के इक्वल थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ थ्री आ जाएगा, और जी ऑफ थ्री की वैल्यू है वो क्या दे रखी है इसने, सेवन दे रखी है, तो यहाँ पे कितना आ गया, सेवन आ गया, ठीक है। तो जी ओ एफ ऑफ टू क्या आ गया, जी ओफ एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी थी, थ्री दे रखी थी, तो जी ऑफ थ्री आ गया, जी ऑफ थ्री की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी थी, सेवन दे रखी थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेवन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालूंगी, थ्री निकालूंगी, ठीक है। ये भी ऐसे निकलेगा, इसको क्या लिखूंगी, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री लिखूंगी, ठीक है। अब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है, फोर, तो ये क्या बन जाएगा, जी ओ फोर बन जाएगा, और जी ओ फोर की वैल्यू भी क्या दे रखी है, सेवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे क्या निकालूंगी, जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालूंगी, फोर निकालूंगी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ फोर लिख सकती हूँ, एफ ओ फोर की वैल्यू क्या दे रखी है, फाइव, तो क्या बन जाएगा, जी ओ फाइव बन जाएगा, और जी ओ फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है, इलेवन, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी, जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालूंगी, फाइव, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ फाइव लिख सकती हूँ, एफ ऑफ फाइव की वैल्यू क्या दे रखी है, फाइव दे रखी है, तो यहाँ पे जो जी ऑफ फाइव है यह आ जाएगा हमारे पास, जी ऑफ फाइव की वैल्यू क्या दे रखी थी, इलेवन, तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेवन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये इसकी क्या निकलगी, कंपोजिशन निकलगी, ठीक है। तो हमने सारे के सारे जो जो एलिमेंट दे रखे थे उन सभी क्या निकाल दी, कंपोजिशन निकाल दी, ठीक है। आपको अच्छे से एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ, ध्यान से समझना। ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इस एग्जाम्पल में, शो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर वन वन, क्या दे रखा है, दो फंक्शन है वो वन वन दे रखे हैं, क्या, एक तो एफ दे रखा है इसे लेके बी तक, और एक क्या दे रखा है, जी दे रखा है बी से लेके सी तक, ठीक है। दो फंक्शन कैसे दे रखे हैं, वन वन दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इन दोनों की जो कंपोजिशन आएगी, यानी कि जी ऑफ एफ आएगा ए से लेके कहाँ तक बनेगा, सी तक बनेगा, वो भी क्या होएगा, वन वन होएगा। ये चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन वन वन दे रखे हैं, अगर उनकी जो कंपोजिशन आएगी ना वो भी क्या होगी, वन वन होगी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसको ध्यान से समझना, देखो इसको क्वेश्चन को हम करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू, ये मैं चीज़ क्या लेके चल पड़ी, मान के चल पड़ी, सपोज कर लिया मैंने, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन एफ था वो भी क्या था, वन वन था, जो फंक्शन जी था वो भी कैसा था, वन वन था, ठीक है। तो कंपोजिशन जी की एफ के साथ और कंपोजिशन जी की एफ के साथ यहाँ पे एक्स वन एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे एक्स टू ले लिया, दोनों को मैं क्या लेके चल पड़ी, इक्वल लेके चल पड़ी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से दोनों साइड से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो फंक्शन जी था वो कैसा था, वन वन था, क्यों, यहाँ पे लिख सकती हूँ रीजन एज जी इज वन वन, ठीक है। जी अगर वन वन है तो दोनों फंक्शन की अगर इमेज इक्वल दे रखी है तो एलिमेंट भी कैसे आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे क्या थे, एलिमेंट थे, तो एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वन किसके इक्वल आ गया, एक्स टू के, ये क्यों आया, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो फंक्शन एफ था वो भी कैसा था, वन वन था, ठीक है। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि अगर दो फंक्शन एफ और जी, दो फंक्शन हमारे पास क्या है, वन वन है, तो उन दोनों फंक्शन की अगर हम कंपोजिशन करेंगे तो वो भी कैसी आएगी, वन वन आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रिजल्ट बन गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, शो दैट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ओन टू, क्या दे रखा है कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ए से लेकर बी तक एंड जी दे रखा है बी से लेकर सी तक, ठीक है, वो दोनों कैसे हैं, ओन टू हैं, ठीक है, गिवन है, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, ओन टू हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों फंक्शन की जो कंपोजिशन आएगी ए टू सी वो कैसी आएगी, ओन टू आएगी, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास वन वन है तो उन दोनों की जो कंपोजिशन है वो भी कैसी आएगी, वन वन आएगी। अब सेकंड एग्जांपल में मैं क्या प्रूफ करने जा रही हूँ कि अगर हमारे पास दो फंक्शन कैसे दे रखे हैं, ओन टू दे रखे हैं, ठीक है, तो उन दोनों की जो कंपोजिशन आएगी ना वो भी कैसी आएगी, ओन टू आएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, सॉल्यूशन करवा रही हूँ मैं इसका आपको, ठीक है। तो हमने ओन टू प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या दिखा देंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई सी की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी ए के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, ओन टू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, गिवन एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट जेड बिलोंग टू सी, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज वाई ऑफ जेड अंडर जी सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू जेड। इसने क्या बोला है, गिवन हमने लेके चल पड़े कि जेड हमारे पास कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, किस में से, c में से, c का एलिमेंट लेके चलूंगी मैं, क्या दिखा दूंगी कि इसकी जो प्री इमेज है वो किसके अंदर आ जाएगी, a के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज y ऑफ जेड, यहाँ पे जेड की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, वो क्या ले ली मैंने, y ले ली, ठीक है, किसके अंडर में, g के अंडर में, ठीक है। तो सच दैट क्या हो जाएगा, g ऑफ y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या लेके चलूंगी, वाई है वो किस में से बिलोंग करेगा, बी में से बिलोंग करेगा, क्यों, जी कहां से तक था, बी से लेके सी तक था, ठीक है। फर्दर फॉर वाई बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए, इन ए, तो देखो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड आ गया था, तो आगे मैंने क्या ले लिया कि फॉर वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि वाई है वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, तो वाई बिलोंग बी में से बिलोंग करेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एक्स, जो किस में से आएगा, ए में से आएगा, ठीक है। अगर एक्स हमारे पास किस में से आएगा, ए में से आएगा, एक्स किस में से आ गया, ए में से आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, एफ क्या आ गया, ओन टू आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया था, जी ओन टू आ गया था, क्यों, क्योंकि जी के अंडर में लेके चले थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया था, जी ओन टू आ गया था, ठीक है। और वैसे भी दे रखा था कि जो फंक्शन एफ है वो भी कैसा है, ओन टू है, जो फंक्शन जी है वो भी कैसा है, ओन टू है। हमें प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों फंक्शंस की जो कंपोजिशन आएगी वो कैसी आएगी, ओन टू आएगी, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट किसका लेके चल पड़ी, सी का, तो उसके लिए एक प्री इमेज ले ली मैंने वाई जेड की, जो क्या आएगा, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड आ गया, तो इसका मतलब जी कैसा हो गया, ओन टू हो गया। फर्दर मैंने क्या किया कि वाई बिलोंग कर रहा है बी में से, तो वाई के लिए भी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, क्या, एक्स किसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू ओन टू हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो ये क्या आ गया, जी ऑफ वाई के इक्वल आ गया। और जी ऑफ वाई था वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से किसके इक्वल था, जेड के इक्वल था, तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड आ गया, ठीक है। तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि हमारे पास जी ऑफ जो कंपोजिशन थी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसके लिए यहाँ पे क्या मिलगी, प्री इमेज मिलगी किसके अंदर, ए से लेके सी तक, यानी कि सी की ए के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज मिलगी। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास जो कंपोजिशन थी यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या आ गई, ऑन टू आ गई, ठीक है। पहले हम लेके चले थे कि दोनों जो फंक्शन है वो कैसे हैं, ऑन टू है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों फंक्शन की जो कंपोजिशन आएगी वो भी कैसी आएगी, ऑन टू आएगी। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास कैसा आ गया, ऑन टू आ गया, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक रिमार्क है, ये रिमार्क क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो कंपोजिशन है जी ऑफ एफ की, अगर वो हमारे पास कैसी आ रही है, वन वन आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन होएगा एफ वो कैसा आएगा, वन वन आएगा, ठीक है। अगर कंपोजिशन जी ऑफ एफ वन वन आ रही है, तो जो फंक्शन है एफ पीछे वाला जो है वो कैसा आएगा, वन वन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों की कंपोजिशन कैसी आ रही है, ऑन टू आ रही है, तो जो पहले वाला यानी जो फंक्शन जी है वो कैसा आएगा, ऑन टू आएगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर कंपोजिशन वन वन आ रही है तो पीछे वाला जो है वो वन वन आएगा, अगर कंपोजिशन कैसी आ रही है, ऑन टू आ रही है, तो जो फर्स्ट वाला है वो कैसा आएगा, ऑन टू आएगा, ठीक है। मैं आपको एक रिमार्क और करवा रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखना। ये मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, क्या दे रखा है, लेट एफ ए वन टू थ्री से लेकर कहाँ तक है, ए बी सी तक है, ठीक है। बी वन वन एंड ऑन टू, ये जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। गिवन बाय एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए, यानी कि वन की जो इमेज है वो क्या आ रही है, ए आ रही है, टू की जो इमेज है वो क्या आ रही है, बी, थ्री की जो इमेज है वो क्या आ रही है, सी आ रही है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, वो क्या आएगा, इस फंक्शन का क्या आएगा, इनवर्स होएगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा वो क्या आएगा, ए बी से लेके वन टू थ्री तक, ठीक है। यानी कि जी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, वन, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी, टू, और जी ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या करनी है, देखो क्या दे रखा है, सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई एक्स, आई एक्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है किसका, एक्स का, ठीक है। एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ऑफ वाई, वाई, आई ऑफ वाई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है किसका, वाई के ऊपर, ठीक है। वेयर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वन टू थ्री के इक्वल, एंड वाई किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि यहाँ पे एक हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, जो इसका क्या आएगा, इनवर्स होएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने कंसिडर कर लिया, कंसिडर जी ए बी सी से किस पे जा रहा है, वन कोमा टू कोमा थ्री पे जा रहा है, एज जी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, टू, और जी ऑफ थ्री सी की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री। यानी कि ए किस पे जा रहा है, वन पे, बी किस पे जा रहा है, टू पे, सी किस पे जा रहा है, थ्री पे। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, इमेज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज आ गई, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरीफाई करना हमारे पास क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो इसकी कंपोजिशन आएगी जी ऑफ एफ ओ किसके इक्वल आ जाएगी, आई ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे जो आई ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये देखो कैसी आएगी हमारे पास आई ऑफ एक्स के इक्वल, दिखाऊं, देखो जी ऑफ एफ ओ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जी ऑफ, जैसे मैं एफ ऑफ वन पे निकालू, यानी कि एफ ऑफ वन पे, ठीक है। तो देखो जी एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी थी, गिवन थी हमारे पास, क्या गिवन थी, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ रही थी, ए आ रही थी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ ए आ गया, और जी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है। सिमिलरली मैं जी ऑफ क्या निकालूंगी, एफ ऑफ टू निकालूंगी, तो जी ऑफ एफ ऑफ टू, जी ऑफ एफ ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी, बी दे रखी थी, तो जी ऑफ बी आ गया, और जी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टू आ गई, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालूंगी, थ्री निकालूंगी, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री हो जाएगा, और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी थी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ सी के इक्वल, और जी ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो जी ऑफ एफ एफ किसके इक्वल आ गया, आई ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। इसको मैं क्या ले सकती हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ ओ जी है वो हमारे पास क्या आएगी, आई ऑफ वाई। ये इसको मैं क्या बोलूंगी, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन से आपको मैं एक रिमार्क करवा रही हूँ, रिमार्क क्या बोलेगा देखना ध्यान से। देखो रिमार्क क्या बोलता है,
द अबव एग्जाम्पल इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्ररी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. ये जो एग्जाम्पल मैंने करवाया है ये हमारे पास किस चीज के लिए ट्रू है, तो कोई भी जो फंक्शन हो कैसे होना चाहिए, वन वन और ऑन टू, उन दोनों के लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल क्या है, ट्रू है. ठीक है. और इसका जो ये एग्जाम्पल ये सिर्फ फंक्शन एफ एक्स से लेके वाई तक ही नहीं, बल्कि जो इसका जो कन्वर्स आएगा ना वो भी क्या होगा, ट्रू होगा. दैट इज एफ मैंने क्या ले लिया, एक्स से लेके वाई तक एक फंक्शन ले लिया, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टू एक्स. अगर हमारे पास जो ये फंक्शन एफ एक्स से लेके वाई तक ये कोई फंक्शन है जो कैसा है, वन वन भी है और ऑन टू भी है. ठीक है. तो यहाँ पे एक इस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, जी वाई टू लेके एक्स, सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एक्स आएगा, एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई ऑफ वाई आएगा. तो जो फंक्शन एफ है वो मस्ट भी क्या आएगा, वन वन एंड ऑन टू. यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स से लेके वाई तक वो कैसा है, वन वन और ऑन टू है, तो उस फंक्शन का जो इनवर्स होएगा जी वाई से लेके एक्स तक वो भी कैसा आएगा, वन वन और ऑन टू आ जाएगा. ठीक. अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है क्या, कि जी ऑफ एफ है वो क्या आ जाए, आई ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, और जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई आ जाए. ठीक है. अब हम किसकी डेफिनेशन करेंगे, इनवर्स इन्वर्टिबल, यानी कि फंक्शन का इनवर्स है वो किस तरीके से निकालते हैं उसकी डेफिनेशन करेंगे. देखना इनवर्स की फंक्शन का इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, यानी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन किसको बोलेंगे हम, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टू एक्स सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ऑफ वाई द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ. क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स से लेके वाई तक, ठीक है, उसको हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, जब यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जी वाई टू एक्स, उसके लिए क्या हो जाए, कि जो जो कंपोजिशन होगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल आ जाए, आई ऑफ एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स आ जाए, एंड कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के इक्वल आ जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, जी को हम क्या बोल देंगे, उसका इनवर्स बोल देंगे. ठीक है. यानी और उसको हम डिनोट किससे करेंगे, एफ ऑफ इनवर्स से, यानी कि एफ इनवर्स से उसको हम क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे एक रिजल्ट है क्या, कि अगर हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो कैसा है, इन्वर्टिबल है. ठीक है. अगर एफ हमारे पास कैसा है, इन्वर्टिबल है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, एफ है वो मस्ट भी क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू, मस्ट भी वन वन एंड ऑन टू. ठीक है. क्या अगर फंक्शन एफ है वो इन्वर्टिबल है, जो फंक्शन एफ होगा वो क्या होगा, वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा. ठीक है. इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वन वन और ऑन टू है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा बन जाएगा, इन्वर्टिबल बन जाएगा. इन्वर्टिबल है तो वन वन और ऑन टू भी होगा, वन वन और ऑन टू है तो इन्वर्टिबल भी होगा. ठीक है. इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी. क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एन टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, फोर एक्स प्लस थ्री, वेयर वाई इज इक्वल टू, वाई बिलोंग्स टू एन, सच दैट वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री फोर सम एक्स बिलोंग्स टू एन. शो दैट जो फंक्शन एफ है वो कैसा, इन्वर्टिबल भी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है एफ, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, जहाँ पे जो वाई है ये वाला जो ये सेट एन क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है. ठीक है. और जो वाई है उसके ऊपर क्या कंडीशन दे रखी है, y इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू एन, सच दैट y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फोर एक्स प्लस थ्री. हमें शो करना है कि जो ये फंक्शन f है वो कैसा आएगा, इन्वर्टिबल आएगा, और उस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो इसको ध्यान से समझना. देखना अगर हमें इसको क्या दिखाना है, अगर इसको इन्वर्टिबल दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, कि जो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x है वो हमारे पास क्या आएगा, i ऑफ x के इक्वल आएगा. ठीक है. और जो एफ ऑफ जी है वो किसके इक्वल आएगा, आई ऑफ वाई के इक्वल आएगा. ये चीज प्रूफ करने में. ठीक है. तो मैं लेके चल पड़ी, मैंने एक एलिमेंट ले लिया क्या, वाई बिलोंग्स टू वाई. ठीक है. तो डेफिनेशन ऑफ वाई से क्या हो जाएगा, वाई किसके इक्वल हो जाएगा, फोर एक्स प्लस थ्री के इक्वल हो जाएगा. अगर हमारे पास वाई किसके इक्वल हो गया, फोर एक्स प्लस थ्री के इक्वल हो गया, और एक्स किसका एलिमेंट था, एन का एलिमेंट था, यानी कि एक्स है वो किस में से बिलोंग कर रहा था, डोमेन ऑफ एन में से बिलोंग कर रहा था. ठीक है. तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, थ्री को इधर लिया है तो वाई माइनस का थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर एक्स आ गया. तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई माइनस का थ्री अपॉन में फोर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई. ठीक है. ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास जी है वो क्या दे रखा था, देखो जो हमने डिफाइन कर लिया क्या, कि जो जी है वो कहाँ से है, वाई से लेके एन तक है. क्यों, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका, जी वाई से लेके एन तक डिफाइन कर लिया.
किस तरीके से डिफाइन होगा, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो g ऑफ y, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस का 3 अपॉन में क्या है, 4, ठीक है। तो y माइनस का 3 अपॉन में 4 आ गया। अब देखो, नाउ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, g ऑफ f ऑफ x लिख सकती हूँ मैं इसको, इस कंपोजिशन को ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4x प्लस 3 के इक्वल थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ 4x प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 3 ऐड कर दिया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस का 3 अपॉन में 4, ठीक है। 3 में से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट किया, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y माइनस का 3 अपॉन में 4 थी। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्या, y माइनस का 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल आ गया, ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल आ गया, ठीक है। यानि के जो g ऑफ y है वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक है। g ऑफ y इज इक्वल टू x आ गया। सिमिलरली मैं क्या दिखा सकती हूँ, कि जो हमारे पास f ऑफ x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसको ध्यान से समझना, क्या आ गया हमारे पास, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है कि जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा, ठीक है। ये टू प्रूफ है हमारे पास। तो देखो हम क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, यानी कि f कंपोजिशन ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू, इसको क्या ले सकते हो, f ऑफ जी वाई, ठीक है। यहाँ पे जी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ वाई माइनस का 3 अपॉन में क्या थी, 4 थी, ठीक है। ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल दे रखा था, 4x प्लस 3 के इक्वल दे रखा था। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, 4 इंटू वाई माइनस का 3 अपॉन में 4 प्लस का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया कि हमारे पास जो g ऑफ f था वो तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पूरे के पूरे सेट नेचुरल नंबर्स के इक्वल आ गया, i ऑफ n के इक्वल आ गया, एंड जो f ऑफ g था वो हमारे पास क्या आ गया, i ऑफ y के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन f है वो हमारे पास कैसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, f इन्वर्टिबल हो गया, और जो हमारे पास g निकला है वो हमारे पास उसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो g है वो किसका इनवर्स हो गया, f का इनवर्स हो गया, ठीक है। फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया, और जो g है उसका वो क्या आ गया, इनवर्स आ गया, यानी कि f इनवर्स हो किसके इक्वल आ गया, g के इक्वल आ गया, ठीक है। आ गया आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक थ्योरम करवा रही हूँ, थ्योरम देखना क्या है ध्यान से। इफ f क्या दे रखा है, x से लेके y तक, एंड g क्या दे रखा है, y से लेके z तक, ठीक है कोमा, एंड h दे रखा है क्या, z से लेके s तक, ठीक है। ये हमारे पास तीन फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। f x से लेके y तक है, जी वाई से लेके जेड तक है, और एच कहाँ से लेके, जेड से लेके एच तक, तीन फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। देन क्या प्रूफ करना है, एच ओ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि पहले मैं क्या लूँ, जी और एफ की कंपोजिशन लूँ, और फिर किसकी कंपोजिशन लूँ, उसके साथ एच के साथ कंपोजिशन लूँ, या मैं क्या लूँ, एच की और जी की कंपोजिशन लूँ, और फिर किसके लूँ, एफ के साथ लूँ, तो वो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखना ध्यान से, मैं क्या लेके चल पड़ी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ी, लेफ्ट हैंड साइड है क्या दर की है, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन ऑफ एफ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एच जी कंपोजिशन एफ लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको ये चीज लिख दी मैंने। अब देखो इसको किस तरीके से खोलेंगे, एच एज इट इज, इस कंपोजिशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, जी एज इट इज, इसको मैं क्या लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एच जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, फॉर ऑल एक्स
बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, जो एक्स होगा किस में से आएगा, एक्स में से आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या लूंगी, राइट हैंड साइड लूंगी, राइट हैंड साइड ये, इसको मैं क्या लिखूंगी, एच ओ जी ओ एफ, ठीक है। एच ओ तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एच ओ जी को क्या लिखूंगी, एच एज इट इज, क्या लिखूंगी इसको अंदर वाले के, जी की कंपोजिशन किसके साथ हो जाएगी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के साथ, ठीक है। तो देखना ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया आपस में, तो इसका मतलब हमारे पास अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स से लेके वाई तक, जी वाई से लेके जेड तक, एंड एच कहाँ से, जेड से लेके एस तक, तीन फंक्शन दे रखे हैं, और तीनों जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एसोसिएटिव, जैसे हम एडिशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन के अंदर करते थे, ऐसे ही कंपोजिशन के अंदर होता है क्या, ये जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। यानी कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एच की कंपोजिशन जी के साथ और पूरे की कंपोजिशन एफ के साथ अगर करेंगे तो वो तीन दोनों आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एक थ्योरम और करवा रही हूँ। ये थ्योरम क्या बोल रही है कि लेट एफ, मैंने कोई फंक्शन ले लिया एक्स से लेके वाई तक, एंड जी मैंने कोई दूसरा फंक्शन ले लिया वाई से लेके जेड तक, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिए, बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन ले लिए, ठीक है। एफ एक्स से लेके वाई तक है, जी वाई से लेके जेड तक है, दो कैसे दे रखे हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि हमारे पास जो जी ऑफ एफ है ना, यानी कि जो कंपोजिशन आएगी जी ऑफ एफ की, वो भी कैसी आएगी, ऑल्सो इन्वर्टिबल आएगी, इन्वर्टिबल, ठीक है। ये इन्वर्टिबल जो कंपोजिशन है वो इन्वर्टिबल आएगी, ठीक है। और साथ में कंडीशन क्या आएगी कि अगर हम जी ऑफ एफ का इन्वर्स खोलेंगे तो वो कैसे खुलेगा, एफ का इन्वर्स कंपोजिशन जी का इन्वर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास जो ए बी का इन्वर्स था वो कैसे खुलता था, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स खुलता था, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो कंपोजिशन का इन्वर्स है वो भी कैसे खुलेगा, एफ का इन्वर्स कंपोजिशन जी का इन्वर्स, ठीक है। तो इसको सोल्व देखना कैसे करेंगे, थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या शो करना है कि जो जी ऑफ एफ है वो कैसा आया है, इन्वर्टिबल आया है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, मैं लेके चल पड़ी, मैं क्या शो कर दूंगी, यानी कि एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स, कंपोजिशन किसके साथ, जी ऑफ एफ के साथ, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आई ऑफ एक्स आ जाएगी, एंड जी की कंपोजिशन एफ के साथ, कंपोजिशन एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, आई ओ वाई आ जाएगी, ठीक है। मैं ये दो चीज़ प्रूफ कर दूंगी, ठीक है। यानी कि पहले मैं इन्वर्स की कंपोजिशन लूँ फंक्शन के साथ, वो क्या आ जाए, आई ओ एक्स आ जाए, और फिर फंक्शन की कंपोजिशन उसके इन्वर्स के साथ, वो हमारे पास क्या आ जाए, आई ओ वाई आ जाए, ठीक है। तो देखना ध्यान से, पहले मैं ये वाली साइड लेके चल रही हूँ, क्या एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक है। तो देखो एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स, कंपोजिशन क्या है, जी ऑफ एफ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये बीच में क्या है, कंपोजिशन का साइन है, तो इसको मैं पहले इसकी कंपोजिशन पूरे की जी के साथ ले लूंगी, फिर इसकी पूरे की कंपोजिशन किसके साथ ले लूंगी, एफ के साथ ले लूंगी, ठीक है। तो देखना है क्या आ गया, एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स, ठीक है। इसके पूरी ब्रैकेट लगाते थे, कंपोजिशन किसके साथ आ गई, जी के साथ, फिर बाद में कंपोजिशन किसके साथ ले लेंगे, एफ के साथ ले लेंगे। अभी जो मैंने ऊपर एसोसिएटिव की थ्योरम करवाई थी उस थ्योरम से ही हो जाएगा ये, ठीक है, थ्योरम बाय थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। अब देखना ये आ गया हमारे पास, अब मैं क्या करूंगी, इसको खोल दूंगी, इस जी इनवर्स को जी के साथ ले लूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स कंपोजिशन जी, और पूरे की कंपोजिशन किसके साथ है, एफ के साथ है, ठीक है। तो देखो जी की इनवर्स की कंपोजिशन जी के साथ करेंगे वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, एफ इनवर्स कंपोजिशन हमारे पास क्या आ गया, आई ऑफ वाई के साथ आ गई, और कंपोजिशन किसके साथ थी, एफ के साथ थी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो एफ इनवर्स की कंपोजिशन किसके साथ है, आई ऑफ वाई के साथ है, और पूरे कंपोजिशन किसके साथ है, एफ के साथ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स की कंपोजिशन किसके साथ आ गई, एफ के साथ आ गई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आई ऑफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आई ऑफ एक्स, यानी कि कंपोजिशन ऑफ किसकी आ गई, एक्स आ गई। ये किसकी डेफिनेशन से हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। आ गया समझ में,
सिमिलरली हमारे पास हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो जी ऑफ एफ है उसकी कंपोजिशन लूंगी मैं, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स के साथ वो क्या आ जाएगी, आई ऑफ वाई की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई दो इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखे हैं तो उन दोनों की जो कंपोजिशन आएगी वो भी कैसी आएगी, इन्वर्टिबल होगी। और जो फंक्शन है यानी कि जी ऑफ एफ का इनवर्स है वो किस तरीके से खुलेगा, एफ का इनवर्स कंपोजिशन जी का इनवर्स के साथ खुलेगा। ठीक है, तो इसका यूज करके हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो कंपोजिशन हो किस तरीके से खुलती है, पहले एफ का इन्वर्स होएगा उसके बाद कंपोजिशन जी का इन्वर्स होएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज़।